प्रदेश भाजपा मीडिया सेंटर का आज विधिवत उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के शासन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता चरम सीमा पर है। महिलाओं के साथ अपराध श्रेणी में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। असमंजस कांग्रेस के खेमे में दिखाई दे रहा है। अभी प्रियंका जी सिकराई में आई थी कि कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जी जैसा लोकप्रिय चेहरा है। आप में हिम्मत है तो आप चेहरा घोषित करके क्यों नहीं दिखाते? आपके पास कौन सा चेहरा है जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजस्थान की जनता का विश्वास, मैंने फिर से कहा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। उन्होंने जो 9.5 वर्षों में राजस्थान को दिया है वो अभूतपूर्व है। इसलिए राजस्थान की जनता का मन में एक संकल्प है कि अब की बार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी की सुरक्षा कर पाए, युवाओं की उड़ान भर पाए, जो सरकार किसानों की समृद्धि के लिए काम करे, जो सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम करे, जो सरकार इस राजस्थान की समृद्धि के लिए काम करे। गौरवशाली इतिहास है, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया।